हमने तो यहाँ तक सुना है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी चुक गए हैं वहां पर,
जीवन भर ध्यान योग कर रहे थे और अंत समय में वो हिरण का ख्याल करने लगे, अगले जन्म में हिरण हो गए। वो तो एक अपवाद का केस है, लेकिन सामान्य केस यह भी देखा जाता है कि जो जीवन भर ध्यान भजन सत्संग करते आ रहे हैं वो अंत समय में भी परमात्मा का नाम ले लेंगे और परमात्मा का नाम लेते लेते शरीर छोड़ेंगे तो आगे का जन्म उसको मनुष्य का होगा। फिर कहा कि मरने के बाद जो मुक्ति है वह मुक्ति नहीं है, मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती, जिसको मुक्ति होने पर होती है सबसे पहले जो है कि जीवन मुक्ति होती है, इसी शरीर में रहते हुए मुक्ति होता है। इस शरीर में जीव रहता है, इसी शरीर में ध्यान करके पांचों शरीर को पार करने वह सीख जाता है, इसी शरीर में रहते हुए पांचों शरीर को पार कर लेता है, फिर इस शरीर में आ जाता है, वो जीवन मुक्त हुआ। और वही योगी जब शरीर त्याग करता है तो यह शरीर वाला मामला वो खत्म कर देता है और अपनी मुक्तावस्था में अवस्थित हो जाता है, तो वह जीवन विदेह मुक्त हुआ, जैसे गुरु महाराज थे। अब है कि जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक हो जाता है, सूत्र जीव अन्न उससे अन्न नहीं रह पा जाता, वह मुक्ति तब मुक्ति होती है। जैसे नमक जाके समुद्र में मिलकर एक हो जाता है, उसी तरह से जीव परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है, फिर जीव की अलग सत्ता नहीं रहती है, वह मुक्ति है। तदुपरांत आगे कहा कि बिंदुला नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। शिव और शक्ति, भगवान शंकर को आदिदेव कहा गया है, देवों का देव महादेव कहा गया है, इन्होंने 87,000 वर्ष तक तप और ध्यान किया था। हालांकि हम कबीर मत में तो भगवान शंकर का भी खंडन पाते हैं, परंतु अपने मत में उनको सम्मान दिया है, तो हम लोग तो कबीर बाबा का अपना एक स्तर है, हम ऐसा नहीं कह सकते। बिंदु ध्यान बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इसी बिंदु में और नाद में, एक में भगवान शिव रहते हैं, एक में शक्ति रहती है। बिंदु में भगवान शिव का वास है और शक्ति में और नाद में शक्ति का विराजमान रहती है। इस देह को शिवालय कहते हैं, या जो हमारा शरीर है इसी को, अब इसी शरीर को बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं इसी धरती पर, इसको मांस मछली अंडा दारू शराब डाल डाल के इसको कब्रखाना बना दिए हैं, परंतु और बहुत सारे साधु महात्माओं को देखते हैं इसी संसित शरीर से परमात्मा को भज कर इस शरीर को पवित्र बना लिए, शिवालय बना लिए। उनके सानिध्य में जाइएगा तो आपको काफ़ी यौगिक शक्ति का अनुभव होगा, जैसे पूज्य बाबा उनके सानिध्य में आते हैं तो काफ़ी यौगिक शक्ति का अनुभव होने लगता है। और यही कारण है कि हमने तो जीवन का यही लक्ष्य बना लिया कि यहाँ पर जीवन भर बन जाए। और यह जो शिवालय है, इस शिवालय में जब व्यक्ति ध्यान करता है पवित्रता के साथ तो उसको इसमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, वह सिद्ध महापुरुष हो जाता है। सिद्धि धरती लोक के लिए आवश्यक होता है, परंतु यह परलोक गमन के लिए उतना कोई जरूरी नहीं है। सिद्ध होना एक अलग चीज है और निर्वाण प्राप्त करना एक अलग चीज है। फिर आगे कहा कि नाद रूप मण का मंडल भवों के बीच में है, दो भवों के बीच में अंतर्नयन आकाश में मानस जप मानस धाम दृष्टि योग की पूर्णता के उपरांत आप नाद का श्रवण करेंगे, वह दोनों भवों के बीच में ही मिलेगा। ये आज का पाठ कहा। फिर आगे बाबा कबीर की वाणी का पाठ हुआ है, गगन की ओट निशाना है। जब आप दृष्टि योग करते हैं तो दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हाँ दृष्टि की धारें जहाँ पर जुड़ती है वह गगन, गगन का एक किनारा हो जाता है, आकाश का अंत के का जगह हो जाता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हमसे और बड़े बड़े योगी इसको ज़्यादा समझते होंगे, मैं वही बोल रहा हूँ जो मैं समझ पा सका हूँ अभी तक। बहुत बातें ऐसी जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँगा, तो कोई योगी जानते होंगे तो हमें बता देंगे। यह दृष्टि योग से रूप जगत का अंत होता है, तो रूप जगत का अंत होता है इसलिए गगन की ओट में निशाना किए दृष्टिधारों से, और जैसे बिंदु के द्वार से निकल जाएंगे तो हम रूप जगत को पार कर जाएंगे। उसके बाद है दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, दाहिने तरफ सूर्य के दर्शन होते हैं, बाएं तरफ चंद्रमा है, इनके बीच छिपाना है, उसी दोनों के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में अपने सूरत को जाकर के हमें बिंदु के रास्ते से निकाल देना है, उसी को छिपाना कहा गया है। तन की कमान सूरत का रौंदा शब्द बांध ले जाना है, मारत मान विंध्या नहीं तन ही तन सतगुरु का परमाणा है। यह एक तुलना करके बताए तीर चलाने को, तो एक उसमें कंपैरिजन किए हैं, उसमें कहे कि दृष्टि धारों को जोड़िएगा तो पूरा पांचों शरीर आप पार कर जाइएगा और उसमें कोई आपको कष्ट नहीं होगा।
मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। और अंदर में जब आप पांचों शरद का भेदन कर देंगे तो आपको जो जानना था वह आपको मिल गया, परमात्मा इसी के लिए आप प्रयास कर रहे थे। इसके बाद बाबा शिवनारायण बाबा की एक रचना रखी गई थी, मंडरे तू लगी। हाँ समय हो गया, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री